क्या आपके पार्टनर को सेक्स करने में इच्छा नहीं हो रही है? क्या आपके पार्टनर सेक्स करने के लिए ना बोल रही है? बहुत बार ऐसा होता है कि औरत ना बोलती है, एक तो वो ऐसा है थक जाती है, या इच्छा नहीं है, या उसको कोई मजा नहीं आ रही है। तो मैं आज आपको एक दवाई ऐसी बता रहा हूँ कि जो दवाई का इस्तेमाल आप करते हैं तो डेफिनेटली औरतों की इच्छा सेक्स करने में बढ़ जाएगी। आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति में महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी पत्नी नहीं बोलती है या पार्टनर नहीं बोलती है सेक्स करने के लिए, उसको दर्द होता है, ऐसे बहुत सारे कारण होते रहते हैं। मगर यदि उसको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, मतलब डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेनोपॉज नहीं है, मतलब मेंस्ट्रुएशन जो है वो चालू है, रिलेशनशिप इशू नहीं है, मतलब रिश्तों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे ये तीन कंडीशन नहीं है और उसको सेक्स की इच्छा नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली आप ये दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्री मेलानोटाइड या PT-141, ये USA में अप्रूव्ड दवाई है, और हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर HSDD इन विमेन, औरतों में HSDD यदि होता है, हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर इन विमेन, ये आती है काम में। ये दवाई कैसी लेते हैं? ये दवाई 1.75 मिलीग्राम का एक इंजेक्शन होता है जो चमड़ी के नीचे दिया जाता है, इधर पेट में या थाई में, मतलब पैर में, और एक 45 मिनट या एक घंटा पहले देते हैं। ये दवाई को एक्चुअली बोला जाता है कि मेलानोकॉर्टिन रिसेप्टर अगोनिस्ट है, मतलब ब्रेन में जो मेलानोकॉर्टिन रिसेप्टर्स रहते हैं उसके ऊपर ये एक्ट करता है, और जिससे मूड और थिंकिंग में बदलाव आता है, और मूड और थिंकिंग में बदलाव आने से फिर उसकी सेक्सुअल इच्छाएं बढ़ जाती है। तो ये दवाई डेफिनेटली काम करती है। अभी ये दवाई वो लोगों को काम करती है जिनको इच्छा नहीं हो रही, मतलब दिमाग का प्रॉब्लम है, इच्छा नहीं हो रही है, तो इसमें काम करेगी। फिर तो लोग पूछते हैं, अच्छा फिर ये फीमेल वायग्रा है क्या? वायग्रा जो मेन में वापरते, नहीं, ये फीमेल वायग्रा नहीं है। देखो, वायग्रा जो है मतलब सिल्डेनाफिल दवाई जो है, वो सिल्डेनाफिल दवाई पेनिस के ऊपर काम करती है। इसका मतलब ये हो गया कि सिल्डेनाफिल मतलब वायग्रा जो दवाई है उसके लिए सेक्स की इच्छा होना जरूरी है। सेक्स की इच्छा यदि हो गई तो वहां से नॉर इम्पल्सिस पीछे जाएंगे और पेनिस के ऊपर, मतलब लिंग के ऊपर काम करेंगे। मगर लिंग की जो खून की नलियां हैं वो यदि बड़ी नहीं हो रही है तो बड़ा करने का काम वायग्रा करती है। तो इसलिए ये पुरुषों में वापर जा सकता है दवाई ब्री मेलानोटाइड, वो पुरुषों को यदि इच्छा कम हो रही है तो पुरुषों में भी काम में आ सकती है। मगर यदि हार्ट डिसीज है, मतलब हृदय की प्रॉब्लम है, दिल की प्रॉब्लम है, धड़कन का प्रॉब्लम है दिल की, ब्लड प्रेशर लो है, तो ये दवाई का वापर नहीं किया जाता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ये दवाई देखिए, औरतों को BP लो हो जाता है, हार्ट डिसीज का प्रॉब्लम हो सकता है, फिर जी मछलाना, उल्टी होना, सरदर्द होना, ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। तो फिर ऐसे प्रॉब्लम के लिए आप पहले से ही यदि आप पैरासीटामॉल या एंटीएमेटिक दवाई लेते हैं तो वो भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे और सेक्सुअल इच्छा अच्छी होंगी, सेक्स अच्छा एंजॉय कर सकेंगे। ये जो इंजेक्शन है ये 24 घंटे में एक बार ही लेना पड़ता है, मतलब ज़्यादा ले सकते नहीं, और एक महीने में 8 बार ले सकते हैं, तो इसका ज़्यादा डोज लिया तो वो घातक हो सकता है। और यदि 8 हफ्ते तक, 8 वीक्स तक, मतलब 2 महीने तक इसका फायदा नहीं हुआ तो ये दवाई बंद करनी पड़ती है, मतलब फायदा नहीं हो रहा, चल छोड़ दो उसको। अच्छा, फ्लिबेनेसरीन जो है दवाई, वो भी हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर HSDD में काम में आती है औरतों के लिए, मगर वो टैबलेट है, ये इंजेक्शन है, तो उसे वो फर्क है, मतलब वो दवाई अलग है, ये दवाई अलग है, फ्लिबेनेसरीन। तो डेफिनेटली ये दवाई आप दे सकते हैं, ये इंजेक्शन दे सकते हैं। और काफ़ी लोग हमारे पास में आते हैं अपने औरत को लेके, या औरतें आती हैं कि भाई मुझे इच्छा होती नहीं है, तो जब इच्छा होती नहीं है तो प्रॉब्लम ब्रेन का है, तो मूड एंड थिंकिंग चेंज होना जरूरी है। तो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, यदि कोई मेडिकल इशू नहीं है, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, BP का प्रॉब्लम नहीं है, फिर मतलब हार्ट की कोई भी कंडीशन, तो ये दवाई आप ले सकते हैं,
प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए, मेनोपॉज नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली दवाई का इस्तेमाल करके एक आपका अच्छा सेक्सुअल जीवन जी सकते हैं। ये लोगों को शेयर करो, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है कि दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका फ़ायदा होता है। तो ये डेफिनेटली लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करेंगे तो बहुत लोगों को फ़ायदा होगा और उनका वैवाहिक जीवन सुखी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।